सागर नगर वासियों के लिए नई सौगात, लड़के एवं लड़कियों के लिए सनशाइन जिम फुल सैनिटाइज। हमारा पता है सनशाइन जिम, राजघाट रोड, दिल्ली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। पन्ना जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत श्रीराम कॉलोनी से एक घटना सामने आई, जहां हीरा विभाग में पदस्थ हवलदार की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि मृतक बिहारी लाल पांडे, जो कि हीरा विभाग में हवलदार के पद पर पदस्थ थे, वो अपने श्रीराम कॉलोनी स्थित मकान में पूजा करने गए हुए थे। तभी अचानक मोहल्ले वालों को घर में तेज आग लगी हुई दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल की मदद से आग बुझाई गई, लेकिन तब तक बिहारी लाल पांडे पूरी तरह से जल चुके थे। वहीं पुलिस ने जब सुबह घर का दरवाजा खोलकर देखा तो संदिग्ध अवस्था में शव के गले में फंदा भी बंधा हुआ था। इसके साथ ही पास में बड़ा पत्थर भी पुलिस को मिला है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। मामले में कोतवाली थाना प्रभारी का कहना है कि जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कल भैया जो है मुझे बिहारी लाल पांडे मृतक हैं, ये खनिज विभाग में सिपाही के पद पर कार्य करते रहे और ये मेरे रिलेशन में भी आते हैं। मेरा साला जो है इनकी बच्ची को ब्याह है, तो उस साले ने ही मुझे जो है रात में समथिंग 9:30 के आसपास फ़ोन लगाया मुझे, तो मैं घर से यहाँ आया और मैंने देखा तो यहाँ पर भी जो है दरोगा जी थे वाजपेयी जी, और यहाँ पर जो है वो फायर ब्रिगेड वगैरह जो है आग बुझाने वाली जो है तो गाड़ियाँ थी, आग बुझाई थी और फ्रंट गेट जो है ये तोड़ा गया था, और मैंने देखा था यह था स्थिति जो है रात में, और रात में वह स्थिति सेम छोड़ी गई। यहाँ पर ड्यूटी लगवाई गई पुलिस वालों की, ये सुबह तफ्तीश होगी। प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हुआ, हत्या है या आत्महत्या? प्रथम दृष्टया में जो है ये पूरा डाउटफुल केस है, और ये तो आफ्टर PM व तफ्तीश के बाद जो है स्पष्ट होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और लेकिन मुझे तो पूरा डाउट है कि ये मर्डर है ये, और ये आग कैसे लगी इसका कारण अभी मालूम नहीं है। कैसे प्रतीत हुआ कि ये मर्डर? ये ऐसे प्रतीत हुआ कि जो उसको देखने से डेड बॉडी को, उनके गले में एक कपड़े की नाट लगी हुई है, वहीं पास में जो है कमरे में डंडा पड़ा हुआ है, एक पत्थर पड़ा हुआ है बड़ा मोटा सा, तो इस कारण से जो है डाउटफुल लग रहा है। किसी से मोहल्ले में दुश्मनी बताई जा रही है? तो मोहल्ले में कोई दुश्मनी का अभी कोई जो है बातचीत ऐसी सामने नहीं आई है। तो क्या चाहते हैं अब इसमें जो है? तो अपन मतलब निष्पक्ष जांच चाहते हैं कि कोई इसकी इसमें निष्पक्ष जांच हो जाए, और जो दोषी हो और दोषी को बख्शा ना जाए। मेरा नाम रविंदर जरिया, इंदुरी कॉलोनी से हूँ। हाँ, ये कल रात में करीब 8 बजे 100 डायल पर एक एफआईआर पर इवेंट आया था कि श्रीराम कॉलोनी में एक कमरे में आग लगी हुई है, तो उस पर बल ने आकर सारी चीज़ें यहाँ पर पुलिस ने मौके पर देखा था, और रात होने से प्रथम दृष्टया ये पता चल गया था कि अंदर एक मृत्यु हो गई है आग से जलने से, पर वो सिंपल एक एक्सीडेंटल घटना या सुसाइडल ही प्रतीत हो रही थी। रात में पूरी कार्यवाही नहीं हो सकी थी, इसलिए सुबह अब जाके जब सारी टीम्स के साथ इसको इंक्वायर किया है, तो जो शव है वो जो मृतक हैं बिहारी लाल पांडे जी, जो कि यहाँ हीरा कार्यालय में पन्ना में सिपाही के पद पर काम कर रहे हैं, 55 ईयर्स करीब उनकी उम्र है, तो जिस तरह से शव पाया गया है तो संदेहास्पद है। PM के लिए हमने बॉडी भेजी है, PM में जैसे ही स्थिति क्लियर होती है उस हिसाब से कार्यवाही करेंगे। क्या माना जाएगी हत्या की आशंका? जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती PM की, तब तक बहुत स्पष्टता से कुछ कहा नहीं जा सकता। पन्ना से दीपक शर्मा, सागर टीवी न्यूज। सागर नगर वासियों के लिए नई सौगात, लड़के एवं लड़कियों के लिए सनशाइन जिम फुल सैनिटाइज। 5,000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ सर्व सुविधा युक्त, सभी प्रकार की अत्याधुनिक मशीनों के साथ लग्जरी व्यवस्थाएं, स्टीम बाथ, सर्टिफाइड लेडीज एंड जेंट्स ट्रेनर, डाइट कैंटीन के साथ सागर में पहली बार सनशाइन जिम। आपके समय अनुसार सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक, कभी भी। हमारा पता है
सनशाइन जिम, राजघाट रोड, पिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश।